बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सभी मेहमानाने ग्रामी से गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें और इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि चूँकि कोविड का इशू है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें प्लीज़। अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम का आगाज मैं तलावते कुरान पाक से करूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। सदाकल्लाहुल अज़ीम। मैं जनाबे वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर साहब से मुतमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब मैं जनाब इंजीनियर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहब से मुतमिस होऊंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब मैं रईस जामिया पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर यानी रोस्टर पर तशरीफ़ लाएं और हमारे इंजीनियर से मुखातिब हों। जैसे कि आपको पता है कि डॉक्टर साहब इस दफ़ा वाइस चेयरमैन पंजाब के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का बाजी आपके सामने है और इंशाल्लाह हमारी इनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के इंजीनियर्स के लिए वो सब कुछ करेंगे जो हमारे ख्वाब हैं। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सैयद इम्तियाज़ शाह साहब, नजीब हारून साहब कुछ ही मिनट्स में यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। मैं अपने तमाम इंजीनियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। यकीनी तौर पर ये उनका प्राइवेट टाइम है, हमने उनसे गुजारिश की वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और ये प्रोफेशनल काज के लिए, प्रोफेशनल कमिटमेंट के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए कुछ होना चाहिए इस उम्मीद के साथ आए हैं कि जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल्स के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो यकीनी तौर पर हमारे ग्रुप ने, हमारे इस फोरम ने क्या फ़ैसला किया है, हमारे अलायंस ने क्या फ़ैसला किया है कि इंजीनियर्स की वेलफेयर के लिए इनके पास क्या एजेंडा है और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का रोल क्या है और इन इंजीनियर्स को किस तरीके से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बेनिफिट कर सकता है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक प्रोफेशनल बॉडी 1976 में एस्टैब्लिश हुई टू रेगुलेट द इंजीनियरिंग प्रोफेशन। इसके ये प्राइम ऑब्जेक्टिव्स में से है, जितना भी इंजीनियरिंग प्रोफेशन के इदारे हैं उनको रेगुलेट करना, चाहे वो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं या जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर जहाँ पे इंजीनियरिंग का काम होता है तो उनको रेगुलेट करना। जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो लॉज हैं वो इतने कम्प्रिहेंसिव हैं, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो बहुत सारे काम जो इस वक्त इंजीनियरिंग प्रोफेशन फेस कर रहा है, जो इश्यूज फेस कर रहा है, वो उस एक्ट के ज़रिए रिजॉल्व हो सकते हैं। मैं अगर सबसे पहले अगर ये कहूँ कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड्स हैं वो इंजीनियर्स होने चाहिए, ये एक है। इंजीनियर्स
जहाँ पे इंजीनियर्स की इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना और उनके फ्यूचर के लिए काम करना और उनकी वेलफेयर के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में मुकम्मल तौर पर क्लासेस हैं जिससे उनके प्रोफेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर हम ऐसे प्रोफेशनल्स को उस बॉडीज में भेजेंगे जो इन लॉ से अवेयर हैं, फैमिलियर हैं, तो यकीनी तौर पर इस प्रोफेशनल बॉडी को मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट किया जा सकता है और जो इंजीनियर्स के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। मैं अगर एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस का हेड होते हुए, मैंने यूईटी टेक्सला में एज ए वाइस चांसलर काम किया, टेक्सला यूनिवर्सिटी में एज ए वाइस चांसलर काम किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में एज ए वाइस चांसलर काम किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए वाइस चांसलर, तो एक वो स्टेज थी। आप देखें कि इस वक्त भी जो इंजीनियरिंग डिग्री है ये हमने 2017 में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाई, 2017 में। आप डेवलप्ड वर्ल्ड में जो आज कोई भी इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कार्ड रखता है, हमने उन डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ इनकी डिग्री को इक्वेट किया। अब ये इक्वलेंस जो हमें मुयस्सर हुई उसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर आपके पास ये प्री रेक्विजिट है, अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, ये एक पीस ऑफ पेपर नहीं होना चाहिए। आपके पास जो रेक्विजिट नॉलेज है और स्किल है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये रिक्वायर्ड स्किल्स और नॉलेज लेवल है तो आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कम्पीट कर सकते हैं। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपके पास जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, डेवलप्ड वर्ल्ड आपको ये नहीं कह सकता कि आपकी डिग्री को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। आपको कोई हमारा एग्ज़ाम पास करना होगा, जैसा कि मेडिकल प्रोफेशन में है। अगर मेडिकल प्रोफेशन की डिग्री किसी इंस्टीट्यूशन ने, UHS है या कोई और मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, उसने डिग्री अवार्ड की है, तो उनके लिए रेलेवेंट जो कंट्रीज हैं वहाँ का इम्तिहान पास करना होगा। आपको ये नहीं कहा जाता कि आप उनका एग्ज़ाम पास करें। हमने इसके लिए एफर्ट की और आज हमें अल्लाह ताला सुभान व तआला ने शुरू किया कि आप सब लोग जो यहाँ पे बैठे हैं आप कह सकते हैं कि मेरे पास जो डिग्री है वो एट पार है विद द इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन। मैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस, किसी भी ग्रेजुएट का मैं मुकाबला कर सकता हूँ, उनको कम्पीट कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मैंने जैसे आपसे कहा कि जो रिक्वायर्ड नॉलेज लेवल है और जो स्किल है, एक आदमी अगर इंजीनियरिंग किसी क्वालिफिकेशन को, किसी डिसिप्लिन की क्वालिफिकेशन वो उठाए हुए डिग्री उसके पास है, लेकिन अगर उसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल नहीं है, वो सिंपली एक पीस ऑफ पेपर है, इसके अलावा कुछ नहीं। चाहे वो किसी डेवलप्ड वर्ल्ड से वो डिग्री क्यों नहीं इशू हुई, तो इसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास नॉलेज हो और आपके पास वो स्किल होनी चाहिए कि आप उस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं ये हमने किया, ये हमने जो जर्नी है 2010 में स्टार्ट किया एंड आई वाज द कन्वीनर ऑफ दैट कमेटी। हमने 2017 में, अच्छा उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड में इस वक्त 20 से 22 ममालिक जो है, आप US से लेके कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप जो जापान, मलेशिया, जितना आप टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड वर्ल्ड है उनके वो ममालिक उस अकार्ड का हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान आज हिस्सा है। हमें इनिशियली प्रोविजनल मेंबरशिप मिली, लेकिन अब पाकिस्तान इज़ ए फुल मेंबर और इसमें हमें 7 साल लगे और ये 7 साल का पीरियड थोड़ा हो सकता था, लेकिन क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे थे जिसमें इंटरनेशनल टीम्स आ नहीं सकते, तो एक तो ये पॉइंट है कि हमने अपनी कंट्रीब्यूशन की। जिस वक्त हमारी टीम वहाँ पे थी
तो हमने उसमें कंट्रीब्यूट किया. इट वॉज नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ कि मैं एक मेंबर हूँ, मैं एक वाइस चेयरमैन हूँ एंड आई शुड बी देयर और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का. देखें अगर ये इस वक्त एज ए वी सी ऑफ टेक्स यू ई टी टेक्सला वी सी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी हमें एक कमेटी के मेंबरशिप के लिए हम बहुत सारी जगहों पर जा नहीं सकते. हमारे पास बहुत ज़्यादा इस तरह की मेंबरशिप्स होती हैं लेकिन क्योंकि ये मेरा एक प्रोफेशन, मैंने इसमें ग्रेजुएशन की, इसके लिए मैंने कंट्रीब्यूट किया है तो मेरे ऊपर ये फ़र्ज है. अगर अल्लाह सुबहान तआला ने मुझे ये कैपेसिटी दी है तो इसमें मुझे और मेरी टीम को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए. आप हमारे नजीब हारून साहब तशरीफ लाते हैं तो उनसे आप जिस वक्त आप मिलेंगे आप देखेंगे कि उसमें कितनी एनर्जी है अपने प्रोफेशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए. अदरवाइज ही इज़ एमएनए, उसको ज़रूरत नहीं है. वो 5 साल के लिए ही इज़ एमएनए लेकिन इस कमिटमेंट के साथ हमारे जितने भी मेंबर्स को आप देखेंगे यहाँ पे तशरीफ लाएंगे उनमें आप देखेंगे कि दे आर कमिटेड टू डिलीवर. हमारे पास जो परफॉर्मर की टीम है जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना है तो मैं समझता हूँ कि इस जज्बे के साथ हमारी टीम इंशाल्लाह इस इलेक्शन में जा रही है और इंशाल्लाह हम इसमें विन करेंगे. नजीब हारून साहब तशरीफ ला चुके, सर आप आ जाए. सेकेंडली हमने प्रोफेशन को रेगुलेट करना, रेगुलेट करने के बाद जो इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप ऐसा पॉसिबल नहीं है. नजीब साहब अक्सर इसको आपके साथ शेयर भी करेंगे, अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट करेगा. आप डेवलप्ड वर्ल्ड को अगर देखेंगे जो इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके बहुत ज़्यादा मिनिस्टर जो है डेवलप्ड वर्ल्ड में आपको इंजीनियर्स मिलेंगे. क्यों? उनकी अप्रोच ऐसे है वो किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं. इशू इज कि अगर आप डेवलपिंग वर्ल्ड में अगर आप इश्यूज को देखें तो प्रोसेस नहीं है, सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, गवर्नेंस के इश्यूज हैं. जो इंजीनियर्स का रोल है वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा और जो पॉलिटिकल हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो फील करते हैं कि हमने इसको रन करना है. यस, उसमें उनमें कैपेसिटी है, वो रन कर सकते हैं लेकिन जो अल्लाह सुबहानहू तआला ने आपको कैपेसिटी दी है, एक डॉक्टर का काम एक इंजीनियर नहीं कर सकता, एक इंजीनियर का काम डॉक्टर नहीं कर सकता. तो मैं समझता हूँ कि जो इंजीनियरिंग प्रोफेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें हमारे एक्ट के अंदर डिफाइंड है कि उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो इंजीनियर होना चाहिए. लेकिन इससे अहम जो मेरे यहाँ पे यंग इंजीनियर्स तशरीफ लाए हुए हैं जिनको बड़ी उम्मीदें हैं, आज की जो पोजीशन है कि एक इंजीनियर को ट्रेनिंग के लिए उनको प्लेसमेंट नहीं मिलती और उनको जॉब नहीं मिलता और साल हर साल वो इंतज़ार करते हैं. इस प्रोफेशन का, इस रेगुलेटरी बॉडी का ये फ़र्ज बनता है कि सप्लाई और डिमांड की रेशो को वो एडजस्ट करें. इंस्टीट्यूशंस को कहें, आप हर एक इंस्टीट्यूशंस को अनलिमिटेड सीट्स नहीं दे सकते, डिमांड कितनी है उसके मुताबिक जो है आप इंजीनियर्स को प्रोड्यूस करें. इनटेक आप लें और जब आपने इनटेक ली है, इंजीनियर्स को एडमिट किया है, तो आपके पास ये अश्योरेंस होनी चाहिए कि आपने क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड की है और वो किसी भी लेवल पे वो कम्पीट कर सकता है. मेरे पास मेरे सीनियर्स कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे तशरीफ रखते हैं. मैं मुझे याद है जिस वक्त हमने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का प्रोग्राम अबाउट 2007 हमने स्टार्ट किया तो मैंने अपने एक स्टूडेंट से कहा कि आप मेरे पास यहाँ पे काम करें. तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप मुझे सैलरी कितना दें. अच्छा, बिलीव करें कि मैंने उस वक़्त मेरी जो सैलरी थी उससे ज़्यादा सैलरी अपने MSc के स्टूडेंट को ऑफर की. तो उसने कहा डॉक्टर साहब गिव मी सम टाइम, आई विल आंसर यू टुमारो. नेक्स्ट डे उसने मुझे आंसर किया, डॉक्टर साहब मेरे आपके साथ बड़े अच्छे मरासम हैं, अगर मेरा आंसर नो में है तो यू विल नॉट माइंड आई होप. तो ही डिडंट कम टू माई इंस्टीट्यूशन. तो उसकी रीज़न क्या थी, मैंने उसे क्यों कहा और उसने मुझे नो क्यों कहा? उसके पास नॉलेज था, उसके पास ही न्यू कि मैं जो मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे पास जो डिग्री है, मेरे पास जो नॉलेज है, मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ. ये सिंपली एक कागज़ का पेपर नहीं है. तो हम इंस्टीट्यूशंस अपने बच्चों को ऐसा ट्रेन करें
कि वो जहाँ पे भी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, आप हमारे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, हमारे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे, उन्होंने कम्पीट किया इन यूके, इन यूएसए विद द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड दे गॉट द पोजीशन। आप अपने लोगों को इतना इक्विप करें कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर पाए। आपको जो अल्लाह सुभान व तआला ने पाकिस्तान को खसूसी तौर पर जो इक्विप किया है, जो ह्यूमन कैपिटल पाकिस्तान के पास अवेलेबल है, वो किसी और मुल्क के पास अवेलेबल नहीं। पाकिस्तानी जितना हार्ड वर्किंग, कमिटेड, ऑनेस्ट और अपने जॉब में, मुझे एक गोरे ने कहा व्हेन आई वाज सर्विंग इन यूके, तो उसने मुझे कहा कि पाकिस्तानी जो हमारी ऑल द टाइम इट इज़ आवर प्रायोरिटी कि हम क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द पाकिस्तानी इंडिविजुअल इज सो गुड, हमें चाहिए कि पाकिस्तानी लोगों को हम इंडक्ट करें। तो आप देखें कि आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको कैसा देखती है। तो मैं समझता हूं कि अच्छा स्कोप अवेलेबल है, हमें चाहिए कि इस इंजीनियरिंग प्रोफेशन को, ये मैं नजीब साहब आपसे वादा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये बात करता हूं, मेरी कमिटमेंट है, हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी दो तीन चीज़ों पे, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट इफ़ वी आर देयर एंड नजीब हारून इज़ देयर। तो जो यंग इंजीनियर्स हैं जिनकी अभी सर्विस 5 to 10 years है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसमें इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी और ये वहाँ पे उस बॉडी का हिस्सा होंगे। सेकेंडली, हमारी फीमेल बच्चियाँ आप देखें वहाँ पे बैठी हुई हैं। बहरहाल इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है, मोर देन 50% ऑफ द फैकल्टी मेम्बर्स दे आर द फीमेल टीचर। आप देखें कि जो इम्प्लाइज हैं मोर देन 50%। अच्छा, इस वक्त यंग लॉट में हमारे पास फीमेल इंजीनियर्स भी हैं और इम्प्लाइज भी हैं, और हमारे इंजीनियरिंग प्रोफेशन में मुझे याद है मेरी जो पहली क्लास थी उसमें सिर्फ 2 बच्चियां एडमिट हुई केमिकल इंजीनियरिंग में, मटेरियल्स इंजीनियरिंग में बहुत कम आए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में यस उनके एडमिशन हुए, और उन्होंने उसमें ऑफकोर्स देयर प्रेफरेंसेस इन दैट एरिया क्योंकि ये ऑफिस का जॉब है, लेकिन फिर भी हमारे केमिकल इंजीनियर्स ने फील्ड के अंदर जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, मेरे ख्याल में इनकी रिप्रेजेंटेशन अगेन यस ओपन मेरिट पे भी कम्पीट करें, लेकिन इनका वहाँ पे कोटा भी होना चाहिए, एंड वी विल इंश्योर कि इंशाल्लाह हमारे टेन्योर में ये दोनों काम, और तीसरा काम जिसके लिए मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ कि जो हमारे फ्रेश इंजीनियर्स पास आउट हूँ एटलीस्ट हर इंडस्ट्री के लिए। मुझे याद है जब हम पास आउट हुए तो इंडस्ट्री के लिए ये मैंडेटरी था कि वो 6 इंजीनियर्स हर प्रोफेशन के वो अपनी इंडस्ट्री में इंडक्ट करें। तो ये अगर हम अपनी यंग जनरेशन को हम ये अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, हमने नॉलेज दिया, हमने थ्योरेटिकली हमने पढ़ाया है उन बच्चों को, लेकिन अगर आपने उनको इंडस्ट्री में उसका एक्सपोजर ही नहीं दिया, उन बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कम्पीट करना है, क्योंकि बहरहाल देर इज़ ए गैप कि प्रैक्टिकली व्हाट वी आर टीचिंग इन द इंस्टीट्यूशंस और जो प्रैक्टिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, यस देर इज़ ए डिफरेंस, लेकिन अगर आप उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिलवाते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती हैं 1 to 2 years की, यस मैं हम जब पास आउट हुए बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे पास 6-7 हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर्स होते थे, ये आज भी हो सकता है। ये जो हमारा एम्प्लॉयर है, ये जो कहता है एम्प्लॉयर कि मेरे पास यस मैं ब्रेक इवन पे रन कर रहा हूँ, लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद आप उनसे पूछें कि आपको प्रॉफिट कितना रिसीव हो रहा है, कितना मिल रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हम मुकम्मल तौर पर बेनिफिट लेंगे नजीब हारून साहब का, गवर्नमेंट का, कि हमने जो आपसे कमिटमेंट करनी है, यस इन बच्चों को जॉब मिलना चाहिए। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इज़ नॉट देयर टू मेक द मनी, हम कंट्रैक्टर से पैसे लेने के लिए बॉडी नहीं बनाई हुई, ये प्रोफेशन की ग्रोथ के लिए बनाई गई। तो हम इंशाल्लाह जो वहाँ पे अमाउंट अवेलेबल है, हम अपने इंजीनियर्स को स्कॉलरशिप भी देंगे, इंजीनियर्स को वहाँ पे लोन भी देंगे जिसमें वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करें। हमारे पास इस वक्त भी नेशनल लेवल पे ऐसे इंडिविजुअल्स पाकिस्तानी अवेलेबल हैं जो कहते हैं कि यस हम फ्री ऑफ
इंटरेस्ट लोन देने के लिए तैयार हैं ताकि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। आप बजाय इसके कि यस जहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इंजीनियर्स को जॉब मिलना चाहिए, पेड इंटर्नशिप मिलनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, ये जितने देखें इम्तियाज़ शाह साहब बैठे हैं, नजीब हारून साहब बैठे हैं, ये एंटरप्रेन्योर हैं, इन्होंने अपने फील्ड में प्रोग्रेस किया है। इम्तियाज़ शाह साहब मेरे जो हो सकता है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएट्स हैं या मेरे जो टीचर्स हैं फैकल्टी मेम्बर्स, जितना उनको मैं सैलरी देता हूँ वो इतना शाह साहब प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि हमें एक जो पढ़ाया गया है या हमारे टीचर्स की जो ट्रेनिंग हुई है कि हमने इनको एम्प्लॉयमेंट देनी है, इन्होंने इंडस्ट्री में जाना है, यस हमें इंडस्ट्री को रन करना है, बट एट द सेम टाइम हमने ये भी अपने इंजीनियर्स को एक एंटरप्रेन्योर भी बनाना है, जिसमें वो अपने एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बजाय वो एक एम्प्लॉयर बन सकें। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जहाँ पे आप देखते हैं कि डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, एहसास प्रोग्राम का स्कॉलरशिप है, डिफरेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, अगर मैं गवर्नमेंट को ये कहूँ, रिक्वेस्ट करूँ कि आप इस यूथ को वो फंड्स दें और जहाँ पे ये पांच लोगों को आप एक फैमिली को आप लोन दे रहे हैं या आप पैसे दे रहे हैं, आप एक डोनेशन दे रहे हैं, आप फील कर रहे हैं मेरे इंजीनियर्स को दें, आप पांच फैमिलीज को ये एम्प्लॉयमेंट देगा, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और हमारे पास ये एस्टैब्लिश फैक्ट्स हैं। हम इधर हमारे इस मजलिस में भी बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे बैठे हैं जिनके अपनी कंपनीज हैं, जिनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो हमारे बच्चों को ट्रेन भी कर सकते हैं और एक अपॉर्चुनिटी एक एम्प्लॉयर का जो कंसेप्ट है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं ज़्यादा वक्त इन तीन चार कमिटमेंट्स के साथ, यस हम सप्लाई एंड डिमांड को इंश्योर करेंगे, नंबर टू यंग इंजीनियर्स को वहाँ पे लेके जाएंगे, उनकी आवाज़ पहुँचाएंगे, नंबर थ्री फीमेल इंजीनियर्स की वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, नंबर फोर जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड्स, मैं देखता हूँ कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लेकिन उनके इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं लेकिन उनके हेड्स जो है नॉन इंजीनियर्स हैं, उनको आप इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है। फिर आई विल इंश्योर दो पॉइंट्स जो हमारे यंग इंजीनियर्स के लिए हैं कि वी विल इंश्योर कि इनको जहाँ पे पेड इंटर्नशिप की बात हो रही है, इनकी प्लेसमेंट की बात है, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी इंश्योर करेंगे कि गवर्नमेंट ऐसी स्कीम ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करे जिसमें ये जो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंजीनियर्स है इसको मिनिमाइज किया जाए। और इंशाल्लाह जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस वक्त इतनी ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर एग्जिस्ट करती हैं, जो कितना हमारा टोटल इंजीनियर्स है इस वक्त जो रजिस्टर्ड है 3.5 लाख टोटल, और आप देखें कि 3.5 लाख बंदे को अगर पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस, और पॉपुलेशन कितना है 22 करोड़, अगर इसका आप आउट ऑफ 1000 इसकी कैलकुलेशन करें तो ये एक 1 out of 1000 पॉपुलेशन आपको मिलेगी। अगर आप मलेशिया से कंपेयर करें 3 into 1 है और ये इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। आप डेवलप्ड वर्ल्ड को देखें तो इस ये जो मिनिमम रेशियो है वो 5 into 1000 है, तो आपके पास 1 into 1000 इस रेशियो को भी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त यकीनी तौर पर इस पोजीशन में है जहाँ पे वो बिलियंस ऑफ रुपीस के डिफरेंट प्रोग्राम्स के तहत फैमिलीज तक पहुंच रही है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे इंजीनियर्स तक भी पहुंचे। ये एक इंजीनियर को अगर आपने इतना इक्विप कर दिया तो वो 20 लोगों को वो ड्राइव करेगा। इंशाल्लाह इस कमिटमेंट के साथ आप हमारी टीम को आप वोट करेंगे, हमारे जो जो टीम है जिसमें नजीब हारून साहब सिविल इंजीनियर हैं और ये चेयरमैन के तौर पर कंटेस्ट कर रहे हैं, सैयद इम्तियाज़ शाह साहब सीनियर वाइस चेयरमैन के तौर पर, माईसेल्फ एज द वाइस चेयरमैन पंजाब, मुझे पंजाब डोमिसाइल सारे इंजीनियर्स वोट दे सकते हैं, नजीब हारून साहब को और इम्तियाज़ शाह साहब को ऑल ओवर द कंट्री ऑल डिसिप्लिन वो वोट कास्ट कर सकते हैं। 8 अगस्त को डिफरेंट लोकेशंस पे हम आपसे शेयर करेंगे, पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं,
आपसे दरख्वास्त होगी कि आप वहाँ पे पहुँचें और अपने सारे कोलीग्स को, अपने क्लास फेलोज को, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को, अगर आपको ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है आप हमें बताएं, वी विल प्रोवाइड, लेकिन मेक श्योर कि वहाँ पे चेंज आना चाहिए और चेंज फॉर द प्रोफेशन होना चाहिए, और जिसमें अगेन जो मेरी टीम है ऑनेस्ट है, इंटेग्रिटी के साथ है, और आप जस्ट गूगल है ये नजीब हारून साहब कौन है, ये सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर है, सबसे हाईएस्ट इन द पार्लियामेंट, टॉप 50 में 30s में आउट ऑफ 22 करोड़, ये उसमें लाई करता है और गवर्नमेंट से कोई अपना बिजनेस नहीं करता। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की क्लीन लीडरशिप को आपको आगे भेजना चाहिए, ऐसी लीडरशिप जिसके अपने इंटरेस्ट ना हो। मैं एक चीज, क्योंकि आप सारे इंजीनियर्स हैं, आप सारे लीडर्स हैं, लीडर वो है अगर इस एक पॉइंट को अगर आप अपने जहन में रखेंगे, यू विल सी कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। अगर आप लीडर हैं, अपने इंटरेस्ट को पीछे कर दें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करें, आप देखेंगे कि अल्लाह सुबहानहू ताला आपके इंटरेस्ट को खुद ही फुलफिल करेंगे, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए आप अपनी विश रखते हैं, अपनी ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी ख्वाहिशात को ही आगे कर दिया पहले, तो हो सकता है फिर इसमें अल्लाह ताला का वादा नहीं। तो नंबर टू, आपसे ये उम्मीद है, जहाँ पर मैंने एक ही बात की है, कॉम्पिटेंसी इज ऑन वन प्लेस, कि हमारे लोग कॉम्पिटेंट हैं, अपना बिजनेस रन करते हैं, इनके अपने क्रेडिबिलिटी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो वैल्यूज हैं, जो करेक्टर है, इसमें ये रिच है, और आप में जहाँ पे भी आप हों, आपसे अगर कोई एज ए प्रोफेशनल आपकी स्ट्रेंथ पूछी जाए, तो आप में ये इमीडिएटली आप कह सकते हो कि यस, मैं एक लॉ अबाइडिंग जो है ना सिटीजन हूँ, और मैं लॉ को इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने ऊपर भी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी, और आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर ये हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर हम अपनी लाइफ में ये चेंज ले आ सकते हैं, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। और आखिर में आप जो इस हाल में मौजूद हैं हमारे कोलीग्स दोस्त, ये आज अगर हम ये फैसला कर लें कि नजीब हारून साहब और उनकी टीम को हमने इंशाल्लाह कामयाबी दिलवानी है, आप इतने लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, मैं कहता हूँ कि पंजाब से ही ये टीम जीत के जाएगी, इनको किसी और सूबे के वोट्स की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह, आप हमें जानते हैं, डॉक्टर न्याज को गूगल करें, नजीब हारून को गूगल करें, आपको पता चलेगा कि हमने अपनी लाइफ में क्या किया, हमारा करेक्टर किस किस्म का है। तो बहुत सारे, मोर देन 80% ऑफ यू नो मी वेल, यू नो द नजीब हारून, मेरी दरख्वास्त होगी कि हमारी टीम को आप कामयाब करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।